हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स। और गाइस, आज मैं आया हूँ रॉबर्स केव में। गाइस, ये एक जगह है जो आप मंसूरी जाते हो तब रास्ते में आती है, या मंसूरी से वापस आ रहे हो, देहरादून जा रहे हो, तो आपको एक राइट लेना है। एक छोटा सा टाउन आता है जिसका नाम है मलसी, वहाँ पे आपको ये 3 किलोमीटर अंदर जाके एक जगह मिलेगी। तो गाइस, ये जगह मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए। मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया। मंसूरी जाते टाइम भी मेरे को पता चली थी कि इस नाम की एक जगह है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे को लगा कि यार रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेता हूँ और एक वीडियो भी बना लूँगा यहाँ पे। तो जो वीडियो बनाना था गाइस, वो डेफिनेटली वर्थ है। अभी आपको बताया मैंने कि मैं यूज़ नहीं कर सकता, ज़रा वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कैमरा है इसके आगे थोड़ी डैश सी लगती थी, तो ये मेरा सेकेंड कैमरा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गैस, यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप पहले स्लीपर लेके आना, क्योंकि वो आपको बाहर से रेंट में मिल जाएंगे। अगर आपके पास पहले से है तो वेरी गुड। और अभी मैं आपको और इन्फो देखता हूँ, पहले एक छोटा सा मैं आपको टाइम लैप्स दिखा देता हूँ और आप वो इन्जॉय करो। तो गैस, ये एक नेचुरली बिल्ड जो केव है, नेचुरली बिल्ड है, और मेरे ख्याल से ये इस केव का एंड है। यहाँ से काफ़ी सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो शायद फ़ोटो के लिए जा रहे हैं, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है क्यों जा रहे हैं। अभी एक मैं इस जो केव है इसका एक एंड भी आपको दिखाऊंगा, अंदर छोटा सा बिल्कुल छोटी सी गुफा सी है, वहाँ पे अंदर पानी गिर रहा है, वही सारा वाटर यहाँ पे बाहर आता है। और गाइस, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। आपको अगर आपने कुछ खाने के लिए भी लेना है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो कुछ भी। और यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के आना गाइस, क्योंकि कई जगह वाटर काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है, और आप फिजिकली फिट हो तो ही, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी जो ग्राउंड है गाइस, वो सॉलिड नहीं है, वो स्टोन्स मतलब अंदर हैं, आपको समझ आएगा जब आप यहाँ पे चलोगे। मैं आपको पानी में तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टोन से भरे पड़े हैं, तो डायरेक्ट मतलब फ्लोर नहीं है कोई। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मेरे सामने इनफैक्ट कहीं पर वीडियो बनाते बनाते भी 2-3 लोग गिर गए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपनी ही नहीं रेडी जैकेट पहन के आ गया था। और ये गाइस, वो पूरा एंड है जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से पानी आ रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। और मेरे को लगता है वहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, इसलिए मैं आगे गया नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पास और भी कपड़े नहीं थे, और आज ही मैंने रिटर्न करना था अम्बाला को मंसूरी से। मेरे ख्याल से गाइस, ये जो केव है इसका जो बंद होने का टाइम है वो अराउंड 7:30 है, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन 7:30 मेरे को नेट पे मिला तो मैंने आपको बता दिया। 7:30 पे शाम को बंद हो जाती है, और उससे पहले गाइस वैसे इस टाइम पे आना काफ़ी अच्छा है। जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो एक किस्म से बंदा रिफ्रेश हो जाता है पूरे तरीके से। पर्सनली स्पीकिंग गाइस, मेरे को ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब अगर मेरे को इस जगह को कंपेयर करना हो तो मैं इसे कैंपटी फॉल के साथ कंपेयर करूँ, इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है ना गाइस। जब आप रियलिटी में आते हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलती है, और एक्सप्लोर करने का ऐसी नई जगह गाइस, मज़ा ही कुछ और हो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स गाइस, और जिसने नहीं किया आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। और गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, मतलब अगर मैं अपनी टॉप 10 वीडियोज़ में बताऊँ तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप यहाँ से ऊपर से देखो ना गाइस, तो मतलब एक अलग ही आपको फील सी आती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। काफ़ी सारे लोग इस जगह को एक्सप्लोर नहीं करते, बट ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। एक और चीज़ गाइस, अगर आप यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइम से आपका कोई बाउंडेड नहीं हो, तो अगर आप सुबह आप यहाँ पे जल्दी आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा और एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं अराउंड यहाँ पे 2:00 आया था, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रश है। और इस जगह जब आप स्टार्टिंग में आते हो गाइस, तो यहाँ पे पानी भी ज़्यादा है। अगर मैं इससे और आगे जाऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा आगे जाके। बट लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो ना गाइस, तो एक जो आपको मतलब पूरी आपकी जो ट्रिप होगी ना गाइस, वो फुल फिल टाइप हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मंसूरी आ रहे हो और अगर आप यहाँ नहीं आए तो थोड़ा सा आपको लगेगा यार कि मैंने ये जगह मिस कर दी, क्योंकि मंसूरी की ऑलमोस्ट रास्ते में जाती है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें पता है, वो तो 100% यहीं आते हैं। अब इसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाऊँगा कि जो मैंने एक्शन कैमरा से क्यों नहीं दिखाई आप लोगों को, ये जो इमेज जो मैंने बनाई थी वीडियो, वो ब्लर हो गई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही थी।
और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाओगे गाइस तो आप देख सकते हो वाटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब डीप है, ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन अराउंड आपके थाई के अराउंड तो वाटर आ ही जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं पर चलने में भी डिफ़िकल्टी होगी अगर आपके साथ एल्डरली पीपल हैं तो। लेकिन ऑल ओवर गाइस अगर आप इसकी जो केव है इसकी बिल्ड देखोगे तो नो डाउट आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगे। तो ये है गाइस वो ब्लर वाली वीडियो, और ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं अपलोड किया, ऐसे ही करता तो कौन देखता, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने अपलोड नहीं की और सेकंड कैमरा वाली अपलोड की। तो गाइस ये थी रोवर केस, अगर आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आपको ये स्लीपर्स लेके जाने पड़ेंगे और आपको 10 रुपये में कुछ मिल जाएंगे, तो ये स्लीपर्स लेके आप जा सकते हो। और शॉर्ट्स भी आप पहन लो, मैं अपने शॉर्ट्स ही मतलब मैं पजामा पहन के गया था और वो पूरे वेट हो चुके हैं, तो ये थोड़ा बात आप अपना ध्यान रखना। अभी मेरे पास है और फिर तो मैं चेंज कर लूँगा और उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से हम डायरेक्ट पहले चलेंगे देहरादून और फिर देहरादून से अभी हम पहुँचेंगे अम्बाला। अभी हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, शायद 2 या 3 बज चुके हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। सी यू गाइस।